सब्सक्राइब बटन को दबा दें और घंटे की आकार के बेल घंटी को भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो आपको लगातार मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे धार्मिक मुद्दे के बारे में जिसके बारे में हम लोग सोचते तो हैं लेकिन उसके बारे में ध्यानपूर्वक जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हमारे यहाँ हमारे सनातन धर्म में कोई भी परंपरा जो स्थापित है वो यूं ही स्थापित नहीं की गई, उसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण रहा है। चूँकि आप सभी लोग दिवाली मना रहे हैं और दिवाली हर साल आती है, लेकिन दिवाली पर हम लोग गणेश और लक्ष्मी का पूजन करते हैं। माता लक्ष्मी जहाँ धन की देवी हैं वहीं भगवान गणेश बुद्धि के प्रतीक देवता माने जाते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बैठाया क्यों गया, क्यों दोनों लोगों को एक साथ में बैठा करके पूजा जाता है, यही इसी के बारे में आज बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सनातन धर्म में इसका वैज्ञानिक कारण क्या है। धार्मिक कारण तो बहुत सारे हैं और कथाओं के रूप में हम बहुत सारे बातें जान सकते हैं, और लेकिन फिर भी यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे उस तथ्य को जो आप किसी भी दिवाली में ये नहीं बात जान पाए और किसी ने भी आपको ये बताया नहीं, कोई गुरु आपको ये समझाया नहीं कि वास्तविकता क्या है रहस्य गणेश और लक्ष्मी का, तो वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिए माता लक्ष्मी के बारे में जानते हैं। माता लक्ष्मी धन की देवी हैं, संपन्नता की देवी हैं, सौंदर्य सुख संसाधन ये सभी चीज़ें आपको माता लक्ष्मी देती हैं। माता लक्ष्मी श्री का प्रतीक है। श्री का मतलब है हर एक ऐसी वस्तु जिसके कारण आप जग में प्रसिद्ध हो पाते हैं, जग में आपका वर्णन हो पाता है, जग में आपकी प्रसिद्धि फैलती है। इसलिए धन आज तो एक पहले जमाने में वस्तु विनिमय होता था, गांव-गांव में जाकर के लोग वस्तु विनिमय के आधार पे जो है एक दूसरे की चीज़ें खरीदते थे, लेकिन धीरे धीरे समय बदला और उसका स्थान सोना चांदी ने ले लिया। सोना चांदी का भी स्थान बदला और उसके बाद आज रुपया उसकी जगह हो गया है, और इसीलिए लक्ष्मी पूजन सोना चांदी और ख़ास तौर से सुनारी व्यवस्था में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, क्योंकि लक्ष्मी का जो स्वरूप है वो धन के, क्योंकि धन से आप सारे कार्य संपन्न कर सकते हैं, धन के द्वारा आप जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं, आध्यात्म को छोड़कर सब कुछ प्राप्त करने की एक वस्तु जो है वो धन होता है, रुपया होता है, पैसा होता है, तो वो उसका प्रतीक है माता लक्ष्मी। और दिवाली के दिन में हम ये बात सोचते हैं कि हाँ हमें सब कुछ प्राप्त हो संसारिक जीवन में, इसके लिए माँ शक्ति आप धन के रूप में हमको प्राप्त हो जी। ये यहाँ पर विष्णु पत्नी के रूप में नहीं है, यहाँ पर वो एक ऐसी व्यवस्था के रूप में है जिस व्यवस्था के माध्यम से हम संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जिसके पास जितना पैसा होता है आप सोच ही लीजिए कि उसके पास सब कुछ होता है, उसके पीछे लोग चलते हैं, उसकी हर बात को माना जाता है, वो जो कह देता है उसे आदेश समझा जाता है। तो सबसे पहले तो पुराने ज़माने में सोना चांदी हुआ करता था, इसीलिए आज भी सोने चांदी का खरीदने का एक व्यवसायीकरण हो चुका है, और जब भी दिवाली होती है उससे पहले धनतेरस होता है और बाकी समय माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग सुनारों के पास जाकर कुछ ना कुछ सोने चांदी की वस्तुएं जरूर लेते हैं, जो कि धन का प्रतीक है। धन को इसी प्रकार से स्थायी भी रखा जाता है और ये धन हमेशा बना रहता है आपके पास, और हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि ये जो कुछ भी धन है आपका ये आपकी भावी पीढ़ी को भी प्राप्त हो, क्योंकि अगर कोई और माध्यम से आप चीज़ें लेते हो रखते हैं तो वो आपके पास बनी नहीं रहेगी, हो सकता है वो ख़त्म हो जाए, लेकिन सोना चांदी ऐसी चीज़ें हैं जिनके माध्यम से आप माता को अपनी अस्थायी रूप में निवास दे देते हैं। इसीलिए श्री यंत्र को वहाँ पर पूजा घर में या यूँ कहिए कि ऐसी जगह पर स्थापित करना जरूर चाहिए। तो जो भी सबसे बड़ी बात है कि भगवान विष्णु की पत्नी इन्हें कहा जाता है। भगवान विष्णु क्या है? भगवान विष्णु पालन के देवता हैं। पालन पोषण अगर जीवन में करना है मनुष्यों का तो सबसे बड़ी चीज़ होती है आपके पास धन होना चाहिए। अगर एक परिवार का कोई एक व्यक्ति चलाता है तो वो अपनी पत्नी का पालन पोषण करता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, लेकिन किसके आधार पर? धन के आधार पर। तो धन सबसे बड़ी चीज़ है। वहीं हम दूसरी तरफ भगवान
गणेश की बात करें तो वो बुद्धि के प्रतीक देवता माने जाते हैं और भगवान गणेश जी के माध्यम से ही हमें धन को धन की प्राप्ति होती है। इसीलिए यह मूलतः बात है कि गणेश और लक्ष्मी को एक साथ स्थापित किया जाता है। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति में बुद्धि होगी वही व्यक्ति धन कमा पाएगा। अगर जिस व्यक्ति में बुद्धि नहीं है वो धन कभी नहीं कमा सकता है। धन कमाने के लिए आपको तीव्र बुद्धि चाहिए और बुद्धि के देवता हैं भगवान गणेश। इसीलिए भगवान गणेश को माता लक्ष्मी के साथ में बैठाया जाता है और ये बताया जाता है इस सनातन परंपरा के माध्यम से कि अगर आपकी बुद्धि खुल गई तो आपको धन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने अपनी बुद्धि नहीं खोली तो आपको धन कभी नहीं प्राप्त हो सकता है। इसलिए धन अगर प्राप्त करना है तो सदैव आपकी बुद्धि खुली होनी चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश बुद्धि के प्रतीक हैं। बुद्धि, भगवान गणेश की सूंड है, काफी लंबी है, छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व कर सकते हैं वो अपनी नाक के द्वारा। तो वो कहने का अर्थ यही है कि आप जब जीवन में कामयाब होना चाहते हैं, आपको लक्ष्मी की चाय प्राप्ति करनी है, तो आप छोटी छोटी चीजों में भी रहस्य निकालने की क्षमता आप में होनी चाहिए। भगवान गणेश की वो सून वही आपको बताने की कोशिश करती है कि छोटी छोटी चीज को भी आप ऑब्जर्व करके देखिए। आंखें बड़ी हैं, सिर बड़ा है, सिर बड़ा होने का मतलब है तीव्र बुद्धि। जब बुद्धि आपकी तीव्र होगी, बहुत चतुराई भरी बुद्धि होगी, लेकिन सात्विक बुद्धि होना जरूरी है, क्योंकि आप गलत बुद्धि अगर इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको विनाश की तरफ लेके जाएगी। माँ का कौन सा स्वरूप मिलेगा? माता और लक्ष्मी ही हैं, लेकिन एक माँ लक्ष्मी राजसी होंगी, एक माता लक्ष्मी सात्विक होंगी और एक माता लक्ष्मी तामसिक होंगी। अब आपको जो प्राप्त होंगी वही जीवन में आपकी उतरेंगी भी। तो जो माता आपको प्राप्त होंगी लक्ष्मी, वो ऐसी प्राप्त होनी चाहिए कि आपका न सिर्फ आपका कल्याण हो, आपका आध्यात्मिक भी कल्याण हो, क्योंकि आध्यात्मिक कल्याण सबसे बड़ी चीज है। हम यहाँ पर कितने साल तक जीवित रहने वाले हैं? बहुत ही कम समय है। हम प्रत्येक दिन अपने आप को बूढ़ा होता देख रहे हैं, हर दिन हमारी कोशिकाएं कमजोर होती जा रही हैं। हम ये सोचते हैं कि हम हमेशा जीने वाले हैं, ये बात भूल जाते हैं, जबकि ये चीज लगातार बदलती रहने वाली है। तो आपको माँ की आवश्यकता है, लेकिन माँ की आवश्यकता क्यों है? इसलिए है क्योंकि आध्यात्मिक जीवन भी आपका उन्नत हो जाए और भौतिक जीवन में किसी वजह से आपको अपनी ज़िंदगी में नाकामयाबी का मुख ना देखना पड़े। तो आपको धन चाहिए उसके लिए, और धन से ही संपन्नता, समृद्धि सब कुछ आता है। तो आपका मूल उद्देश्य जो पूजा करने का है भगवान गणेश को माता लक्ष्मी के साथ बैठा करके, वो यही है कि आप अपनी बुद्धि को शार्प कीजिए, आप अपनी बुद्धि को तेज कीजिए, आप वहीं से धन पैदा कर पाएंगे, अन्यथा आप धन नहीं पैदा कर पाएंगे कभी। इसके अलावा आपने देखा होगा गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति बैठाई हुई को कहा जाता है पूजा किया जाए। बैठी हुई का मतलब क्या है? आप जो कार्य दौड़ते भागते कर रहे हैं उसमें उतना धन नहीं है, आप बैठे बिठाए जो कार्य कर रहे हैं उस कार्यों में अधिक धन की प्राप्ति होती है। यानी कि स्थायी तौर पे चलने वाली चीजों का धन अधिक प्राप्त होता है, ना बल्कि दौड़ने भागने वाले कर्मों से कम धन प्राप्त होता है। इसीलिए देखिए हमारे देश का किसान गरीब है, वो दौड़ता है भागता है, हमेशा कार्य करता रहता है। उसी जगह अगर छोटे से सुनार को ले लीजिए तो वो वहीं बैठे बैठे एक जगह पर उनसे कई गुना ज़्यादा धन कमा लेता है। ऑफिसेज खुले हुए हैं, सारे ऑफिसेज में सब लोग बैठे हुए होते हैं, उसकी वजह से वो धन उनके पास संग्रह होने लगता है हर एक चीज। इसीलिए उनको बैठने की मुद्रा में हमें हमेशा उनकी साधना करनी चाहिए, गणेश लक्ष्मी बैठी हुई मुद्रा में ही हमेशा लेनी चाहिए। इसके अलावा अब बात करते हैं कि क्यों गणेश लक्ष्मी का जो ये सनातनी परंपरा है वो स्थापित है और आगे भी स्थापित रहेगी। क्योंकि अमावस्या के दिन में, यानी कि सबसे बड़ी जो काली रात आ जाती है, इस काली रात में जब आध्यात्मिक उन्नति शून्य की तरफ जा रही होती है, उस समय भी हमको अपनी बुद्धि को नकारात्मक दिशा में नहीं मोड़ना है। भगवान गणेश की साधना से हम लोग यही जानने की कोशिश करते हैं माता लक्ष्मी के साथ में कि हम धन तो कमाएंगे लेकिन अपनी बुद्धि को गंदा करके नहीं कमाएंगे, हम अपनी बुद्धि को शुद्ध करके ही कमाएंगे धन और तीव्र बुद्धि का प्रयोग करेंगे। एक कार्य भले ही लंबा पड़े लेकिन उस कार्य के माध्यम से जीवन में सफलता हासिल की जा सकती है अगर आप बुद्धि का तीव्र प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर आप कोई कार्य ऐसा करते हैं जो बहुत शॉर्टकट है, बहुत छोटा सा है और तुरंत हो जाने वाला है, वो धन तो दे जाएगा आपको लेकिन निश्चित रूप से
वह लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी की तरफ आपको लेके चला जाएगा और आपके जीवन में दोष कलह और बाकी चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा आपको स्थितियाँ बिगाड़ देगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको हमेशा अपनी सात्विक बुद्धि का ही प्रयोग करना है, राजसी और तामसिक बुद्धि का प्रयोग नहीं करना है। बुद्धि हमेशा सात्विक रहेगी तो सात्विक तरीके से ही धन आएगा और आपके जीवन में अनेकों मार्ग बनेंगे आपको कामयाबी की। इसलिए हम माता लक्ष्मी को यानी कि समृद्धि को प्राप्त करने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर पूजन करते हैं। तो वास्तविक रूप में जो अर्थ है वो ये है कि अपनी बुद्धि का प्रयोग आप करते हुए हमेशा धन को कमाइए, तभी आप धन को अच्छी तरह से कमा पाएंगे। और देखिए, आप जो लोग भी सार बुद्धि के होते हैं वही लोग धन कमाते हैं जिंदगी में, और कोई व्यक्ति धन जो है धन नहीं कमा पाता क्योंकि हमने अपनी बुद्धि बैठा देते हैं। यानी गणेश पूजन तो हम करते ही नहीं हैं, और जब गणेश पूजन नहीं होगा तो लक्ष्मी पूजन कहाँ से हो पाएगा। और जो लोग लक्ष्मी पूजन करने लगते हैं वो गणेश पूजन ना छोड़ें, हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। जिन लोगों के पास भी आपने देखा होगा कि बहुत सारा धन उपलब्ध हो जाता है आ जाता है, तो वो लोग अपनी बुद्धि का बहुत ही कम इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और इसीलिए उस देश के हालात उस लोगों के हालात बिगड़ते चले जाते हैं। हमारे देश में भी यही स्थिति है, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है वो लोग अपनी बुद्धि का प्रयोग करते ही नहीं हैं और इसी वजह से वो छोटे लोगों के लिए भी कोई व्यवसाय नहीं बना पाते हैं जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी भी सही ढंग से चल सके। जिन लोगों के पास करोड़ों रुपया होता है वो लोग केवल वासनाओं में डूब जाते हैं और गणेश भगवान को पूरी तरह से छोड़ देते हैं। तो भगवान गणेश को कभी नहीं छोड़ना है आपको, माता लक्ष्मी को प्राप्त करना है लेकिन भगवान गणेश वाली विधि से, और दोनों लोगों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपको ज़िंदगी में कामयाबी मिलेगी। आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपकी सबकी ज़िंदगी में माता लक्ष्मी का वास हो, भगवान गणेश आपको अत्यधिक बुद्धि प्रदान करे ताकि आपकी ज़िंदगी सभी प्रकार की समृद्धियां और सुखों को प्राप्त कर सकें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।